जिला कुपवाड़ा के थीन कलारू स्पर्श ट्रस्ट हाउस पर वर्ल्ड नर्सिंग 41 आरआर थीन की तरफ से एक प्रोग्राम मनाया गया। इस प्रोग्राम की क्यादत मेजर यशुराज कर रहे थे। प्रोग्राम में मेडिकल हॉस्पिटल कलारूस की तरफ से बीमारियों को मुफ्त दवाई दी गई, जिसकी निगरानी बीएमओ कलारूस नज़ीर अहमद कर रहे थे। इसके हमरा दीगर डॉक्टर और नर्सेज के अलावा आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा इलाके के पंच, सरपंच और बीडीसी चेयरमैन कलारूस के साथ साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। प्रोग्राम में बच्चों ने प्रोग्राम भी किए, आखिर पर उनको इनाम से नवाजा गया। पेशा पड़ा से बट मुजफ्फर की ये खास रिपोर्ट। ये इंटेंट यही था कि मतलब हम हर बार इवेंट्स करते हैं, बट अभी जैसे कोविड ये सब हुआ था, उसके अलावा भी जनरली देखा जाए तो मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जो अनअवॉइडेबल है और बहुत इम्पोर्टेंट है ना? वो जैसे हम सांस लेते हैं हमें पता नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं। सिमिलरली जो मेडिकल फील्ड है वो ऐसा ही है, जो एक सिविल सोसाइटी में इनका रोल जो है हम जनरली नज़रअंदाज हो जाता है ना? बिकॉज क्या है कि सभी बेसिक फैसिलिटी है, कुछ बुखार भी आ जाओ डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कोई दवाई देगा है ना, नर्स हमें इलाज करेंगे, बस हम निकल गए। बट क्या है जो इम्पोर्टेंस जो उनको होना चाहिए, तो उसका अवेयरनेस के लिए और उसके लिए मेनली हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। एस्पेशली जो नर्स का जो फैटर्निटी होता है ना, मेडिकल फील्ड में भी हमें पहले हम सोचते कि हाँ हॉस्पिटल या मेडिसिन, हमें पहले डॉक्टर का पिक्चर हमारे मन में पहले फ्लैश होता है, बेसिक है, क्योंकि हम बचपन से ही हमें यही मतलब देख कर आए हैं ना, कुछ भी हो जाए अगर इलाज हो जाए है ना, हॉस्पिटल हो जाए तो हमें बेसिकली क्या है डॉक्टर का चेहरा हमारा मन में पहले बार आता है। बट एक वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए और उसको सक्सेस के लिए नर्स का जो योगदान है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो हम क्या बोलते हैं इग्नोर नहीं क्या कर सकते, मतलब इट इज़ वेरी बेसिक चीज़ें होते हैं। तो बेसिकली जो नर्सेज हैं उनका जो इम्पोर्टेंस को अवेयरनेस के लिए और उनको थोड़ा उनका मोटिवेशन के लिए और हमारी तरफ से एक छोटा सा जेस्चर था ये, ताकि एटलीस्ट है ना सभी ऑल पार्ट्स ऑफ मेडिकल फैकल्टी को वो इक्वल इम्पोर्टेंस जो उनको मिलना चाहिए वो हम दे सकें। थैंक यू जो भी चाहे हेल्थ की तरफ से होता है, हमारे आर्मी की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से हो, एक चीज का मैं तह दिल से इन तमाम डिपार्टमेंट्स का शुक्रगुजार हूं, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे इस ब्लॉक में काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीडीसी, कि उन्होंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स सिविल नुमाइंदे जितने भी हैं उनको हमेशा अपने साथ लिया, हर दिन हर मौके पे उनको बुलाया, उनके साथ कॉपरेट किया। इसके लिए मैं इन डिपार्टमेंट का, अपने ब्लॉक कलर उसकी जितनी भी पंचायतें, उनका तह दिल से शुक्र अदा करता हूं। अगर इस इंटरनेशनल नर्सिंग डे के हवाले से बात करें, ये हमारे खाली हमारी नर्सिंग बहनें जितनी हैं उन तक नहीं छोड़ना, ये हमारी ICDS वर्कर्स जो भी हैं, मैं तो कहता हूं जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनकी सराहना की जाए, इसी तरह एक एक दिन साल में एक दिन मना के जितने भी डिपार्टमेंट काम करते हैं, जिस तरह आज नर्सेज की ये हौसला अफजाई की गई कि अच्छा काम करती हैं, इसी तरह हमारी ICDS की लेडीज, उसमें भी ज्यादा लेडीज काम करती हैं, उसमें चाहे उनकी वर्कर हो, हेल्पर हो, उनकी सुपरवाइजर हो, या नीचे तक वो क्या बोलते हैं हेल्पर हो, वर्कर हो, उनका भी एक अगर दिन मनाया जाए, उनकी भी हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि अभी हमारी इतना काम हमें नर्सेस करना चाहती थी उससे ज्यादा किया हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा ब्लॉक कोविड फ्री हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में हमारे पास कोविड कोई पेशेंट नहीं है। आर्मी के साथ हमने हेल्प उनका मांगा, उन्होंने हमें हमेशा हेल्प दे दिया। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने भी दे दिया। जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें शाना बशाना साथ खड़े रहे। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जो हमारा प्रोग्राम था वो अभी भी चल रहा है, सेकेंड डोज में हम 90% के करीब करीब है, इंशाल्लाह 5-10 दिन में वो 100% हो जाएगा। मैं उन तमाम वैक्सीनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें
पूरा सहयोग दिया इस वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव एक ऐसा ड्राइव था कि जिसमें लोगों को ये खदशा था कि कहीं कुछ हो जाए, लेकिन ऐसी कोई हालत नहीं हुई किसी भी ब्लॉक में, इवन कि डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं कहीं हालत नहीं हुई कि कोई अंटवर्ड हुआ होता। इसलिए हम खासकर मैं अपने BDC साहिबा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हमने उनको फ़ोन किया उन्होंने हमें हर मुमकिन तआवुन जो उनसे हो सका वो दे दिया, चाहे नर्सिंग स्टाफ के साथ हो या हमारे डॉक्टर्स हों या हमारे दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ हों, उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे हर गांवों, हर नुक्कड़, हर गली में जहां भी हम गए वहां ये हमारे साथ रहे। और आंगनवाड़ी वर्करों का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे साथ साथ हर जगह। और दूसरी बात, इस ब्लॉक की खासियत जो है वो प्रोटोकॉल अलग है, इसका टोपोग्राफी जो है ये हार्ड टू रीच एरियाज है, मछल है इसमें आता है, और दूसरा ये कोठियाँ मूरी जबर नागसरी इलाके कुछ है और यहाँ से सरकुली के कुछ इलाके हैं। हर जगह जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ी किसी की भी उन्होंने हमें साथ दिया। नर्सिंग की बात करूँ तो नर्सिंग का तो हमेशा यही रोल रहता है कि वो पेशेंट केयर करे। एक बात ऋषि साहब ने कही कि डॉक्टर साहब चीर फाड़ के डाल देते हैं वार्ड में, बाकी कुछ जो काम करना होता है तो वो नर्सेज को ही करना होता है। लेकिन नर्सेज का काम यही है कि उनको करना है लोगों की खिदमत के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए इन्हीं का काम होता है। दूसरी बात, मैं अपनी नर्सेज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस पेंडेमिक में जितना काम उन्होंने किया शायद ही कोई डिपार्टमेंट इतना कुछ करे। بالکل بہترین بہترین پروگرام وچھ مے کمرس دود یہ مے بلان کی مے نیو دوا یہ گھر فرق مے بہ گھس فٹ اہن حضا انشاء اللہ گنشاء اللہ یہ بالکل ٹھیک بہترین یہ تو رپیے دہ آس کی تمہیں شیت یہ فری تر بالکل خیر حس بالکل بہتر دوا کیا प्रोग्राम में शामिल हो रहे हो, जिसे कि आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की प्रतिवर्ष 12 मई को अधिकतर नर्सिंग के उपलक्ष्य में स्थापित किया जाता है, जो कि दर्शन थोरिस नीरू के नाम से जयंती के नाम से माना जाता है। नर्सिंग के जुड़े इस वैश्विक और स्वास्थ्य के सुरक्षित करने के लिए अधिकतर सम्मान के रूप में नर्सिंग मान और मान सम्मान और उस सेना के जोड़ा जाता है।